हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका चल रहा है अभी चैप्टर 8। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉक है। नेक्स्ट टर्न पर हम आपका जो चैप्टर 7 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो उसका पेन पेपर टेस्ट लेंगे। ओके, तो सब प्रिपेयर रहेंगे नेक्स्ट वीक चैप्टर 7 के पेन पेपर टेस्ट के लिए। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 8। ओके, अभी तक आपने इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड्स मैंने आपको बताए, वो आपने कर लिए हैं, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है कि जो इसका मोड ऑफ है वो है सेक्सुअल, मतलब इसमें बोथ सेक्सेस मेल और फीमेल जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे न्यू जनरेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, इसमें इसकी एक तो मेन जो इम्पोर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू जनरेशन है उसमें क्या आती है, वेरिएशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत नेसेसिटी है, ठीक है। तो ये मेन इम्पोर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब स्टार्ट हम इसमें करेंगे जो आपका, अब देखो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए है वो हाफ अमाउंट में वन हाफ जाता है आपका फीमेल पार्ट से और हाफ मेल पार्ट से, और फिर आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो फ्यूज़न होता है, उस पहले जायगोट डेवलप होता है ना, जायगोट से फिर आपका डिफरेंट स्टेज आती हैं, उसमें ब्लास्टुला है, मोरूला है, ठीक है, और फिर आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है आपकी सेक्सुअल, पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए पहले आप फ्लावर्स की, जो फ्लावर है वो क्या है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। तो फ्लावर की वो देखिए आप फिगर 8.7 ध्यान से देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। नीचे आपकी जो ये लीव्स, जो ऊपर कलरफुल लीव्स रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं नीचे की तरफ जो उस फ्लावर्स को कवर करती हैं, तो वो होती हैं सेपल्स, क्लियर। अब देखिए पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपको अगर नेम आता है कि नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो उसको हम बोलते हैं पिस्टल, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर तो स्टेमन, ठीक है। पिस्टल में आपके होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड देन ओबरी, ठीक है। इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन है उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है, ओवरी में तो क्या है, ओव्यूल्स हैं, एग सेल्स हैं, ठीक है, और एंथर जो है, एंथर पर क्या होते हैं आपके, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट है पोलन ग्रेन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट है आपकी एग सेल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका जो स्टेमन से पोलन, एंथर पर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ मूवमेंट करते हैं, स्टिग्मा पे। तो जो ट्रांसफ़र की जो ये मूवमेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है। और फिर जब वो आपका पोलन ग्रेन्स स्टाइल से होते हुए आपका ओवरी में पहुँचते हैं और वहाँ पर एग सेल्स के साथ फ्यूज़ होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन्स ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एंड मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पोलिनेशन के थ्रू होता है प्लांट्स में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें पहले पोलिनेशन है, पहले ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद जो
जायगोट फॉर्मेशन है वो तो आपकी फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो फर्टिलाइज होके जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे क्या बनता है, जायगोट्स बनता है। ठीक है, और जायगोट्स फिर सेवरल टाइम्स डिवाइड होकर आपका एम्ब्रियो में डेवलप होता है। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है ये सारा प्रोसेस, ओव्यूल में, है ना, जो ओवरी है। ओव्यूल डेवलप होता है एक टफ कोट, ठीक है, जो कि कन्वर्टेड होता है सीड्स में, है ना, वो उसके अंदर जो कॉटिलीडॉन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये कोट। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब ये कॉटिलीडॉन्स क्या है, ये जब जर्मिनेशन होगी, ठीक है, जब हम सीड्स को जर्मिनेट कराएंगे तो उसके जो कॉटिलीडॉन्स हैं वो आपका लीव्स में डेवलप होंगे। ठीक है, कॉटिलीडॉन क्या है, जो कि फूड स्टोरेज रहती है आपका। ठीक है, क्योंकि जब हमने जर्मिनेट किया सीड को तब तो वो अपना फूड नहीं बना सकता ना, उसको ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, क्योंकि फूड कहाँ पर बनता है, लीव्स में। अब जब लीव्स है ही नहीं, अभी तो सीड है वो, तो उसका जो रिजर्व फूड है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलीडॉन। तो मीन वाइल वो उसको आपका फूड प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आपका प्रोसेस होता है, वो फिर जब ग्रो करता है लीव्स बनती हैं, फिर आपका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ग्रो करता है। ठीक है, तो उसमें आपके टू वो बनते हैं, प्यूम्यूल्स और रेडिकल्स। प्यूम्यूल्स क्या है, जो कि स्टेम्स में डेवलप होता है, और रेडिकल्स क्या है, जो कि आपका रूट्स में डेवलप होता है। ठीक है, तो जब हम उसको सीड्स को हम सोइंग करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, सोइंग करके फिर जब वो सीडलिंग्स बनती हैं तो सीडलिंग्स बनने का जो प्रोसेस है उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट टर्न पर हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कवर करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अभी भी मैं फिर आपसे बता देती हूँ कि नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर 7 का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पेन पेपर टेस्ट लेंगे। ओके, सो बी सेफ एट होम एंड डू स्टडी वेल। बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो बहुत अच्छे से हमें स्टडी करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।